बदलते वक्त के साथ जहां सब कुछ बदल रहा है, वहीं कई परंपराएं आज भी ऐसी हैं जो बदस्तूर जारी हैं, जिंदा हैं। वहीं एक परंपरा जो रतलाम महतपुर सहित पूरे मालवा के कई कस्बों में जारी है। इस परंपरा के अनुसार लोग धधकते अंगारों के ऊपर चलते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में चूल पर चलना कहा जाता है। देखिए इस रिपोर्ट में। होली के दिन इस चूल का आयोजन किया जाता है, जहां अपनी मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालु आग के शोलों पर चलकर अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। चमत्कार ऐसा कि इन श्रद्धालुओं को इस आग से कोई नुकसान भी नहीं होता और कई सालों से यह परंपरा चली आ रही है। क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, हर कोई आस्था के इस खेल में धधकते अंगारों के बीच से गुजर रहे हैं। इतनी आग किसी के पैर जलाने के लिए काफी है। आप भी देख लीजिए धधकते अंगारों के बीच इस आस्था के अनूठे खेल को। माता मंदिर में भी चूल का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों श्रद्धालु नंगे पैर दहकते अंगारों पर चलते हुए नजर आए। कुछ लोग मन्नतों के पूरा होने पर तो कई श्रद्धालु आस्था से ही इन आग के शोलों पर से गुजरे। लेकिन गौर करने वाली बात है कि किसी भी शख्स को इस आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। श्रद्धालु इसे माँ शीतला का चमत्कार बताते हैं। ये भक्त कई सालों से इन अंगारों पर चल रहे हैं। इस चूल को तैयार करने के लिए सुबह 8 बजे से मुहूर्त से लिख करते हैं, शाम को 7 बजे तक इसका कार्य चलता है। 2 घंटे इसको खोदने में होते हैं, फिर इसको लेवल बनाने के लिए सूखी पलाश की लकड़ी उसको पंडित द्वारा, मंत्र द्वारा इसको ज्योत प्रज्वलित करके उसको अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद जो हवन में जो पंडित जी जो सामग्री है वो उसको अर्पित करते हैं अग्नि को, और फिर घी डाल के उस पर फिर श्रद्धालु चलते हैं। जो श्रद्धालु और जो जिनके पारिवारिक में समस्या होती है, बच्चे की समस्या, किसी के लड़का नहीं होना, किसी की लड़की नहीं होना, या शीतला माता निकल जाती, वो सारे लोग जिसके जमीन जायदाद का झगड़ा होता है, तो माता जी से मान करते कि माता जी मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं नंगे पैर तेरा इस चूल में अंगारों में चलूंगा, तो माता हर सबका मनोकामना पूर्ण करती है। 1 साल हो गए हैं, हम बचपन से यहाँ आते हैं, मेरी भी 60 के ऊपर की उम्र है। माता जी की बहुत मतलब शक्ति है इस माँ में, तो चलते अंगारों पे लोग चलते सबकी मनोकामना पूरी होती है। क्या वो सच्चा दरबार है मालिक माँ का,
जलते हैं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जलते हैं। मैं तो नहीं निकली, मेरी बहू बच्चे पोती सब निकले और अभी भी बहू निकल रही है। बाहर से भी आते हैं, यहीं के आसपास रतलाम के आते हैं, सब अच्छे, माँ सबका काम करती है। इसके बच्चे नहीं होते, किसके कोई बीमारी है, सब दुख दूर करती है माता जी की। कोई तबीयत खराब रहती है, किसकी बीमारी रहती है, सबकी अच्छी करती है। तो वही ऐसा ही नजारा महतपुर में भी देखा गया। इस आयोजन को देखने लोगों का हुजूम उमड़ा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नजर आए। आप भी देखिए इन नन्ही बच्चियों को कैसे आग को चीरते हुए शोलों पर से गुजर रही है। चूल पर चलने के लिए इस बार बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ महिलाएं भी पहुंची। तो वहीं इस आयोजन को देखने लोगों का हुजूम उमड़ा, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम नजर आए। खासतौर पर महिलाओं में आयोजन को लेकर खासा उत्साह नजर आया। बहरहाल इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन पौराणिक परंपरा और मान्यता के मद्देनजर श्रद्धालु कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, रतलाम, महतपुर।